हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और ये मैंने एक अपनी पुरानी बेडशीट से काट के ये गोल सा मैंने वो बनाया है कवर। देखिए, ये मैंने लिया था 60 इंच लंबा और 26 इंच चौड़ा। तो इसको मैंने एक साइड से नेफा बना लिया है और ऐसे गोल सा ये जोड़ लिया है मैंने। ये देखिए, एक साइड से ये अभी ओपन है, दूसरी साइड से मैंने नेफा बना लिया है और गोल इसको सिल लिया है। मेरे पास सुई धागा ही होता है तो मैं सुई धागे से ही काम करती हूँ सारे के सारे। मशीन का काम कभी सिलाई का करना होता है तो मम्मी के घर से मैं मशीन ले आती हूँ, उनके घर में मशीन है। तो एक साइड जब मैंने ऐसे नेफा बना लिया है तो दूसरी साइड मुझे चुन्नटें बनानी हैं। सुई धागा ले के मैं सिंगल कपड़े को ही पकड़ के कच्चा करते हुए धागे को खींचती चली जा रही हूँ ऐसे। तो ये देखिए, ऐसे गोल सा बनता चला जा रहा है। मुझे ये ऐसे ही गोल चाहिए। अब ये ऐसे देखो गोल बन गया है और मुझे इसको यहाँ से अब पक्का करना है। तो ये क्योंकि कच्चा रहेगा तो खुल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें रुई भरनी है। तो इसको मैं यहाँ से सारे को ऐसे ही इकट्ठा पकड़ के और पक्का कर दूँगी। पक्की सिलाइयाँ लगा दूँगी, गांठ लगा दूँगी हाथ से ही, ताकि ये यहाँ से खुल नहीं जाए, रुई इसमें से बाहर नहीं आ जाए। तो जिसकी वजह से देखो, ये अब मैं इसको पक्का ही कर रही हूँ कि ये सारी पक्की सिलाई हो जाए। क्योंकि कच्चा लगाने के बाद धागा खींच दिया और खींचने के बाद वो वहाँ पर गोल सा बन गया। जैसे गोल बन गया तो सारे को इकट्ठा पकड़ के और इसको अपना सारी सिलाइयाँ पक्की कर दो। ये देखो गोल बन गया, दूसरी साइड से ये खुला हुआ है और इधर से पूरा हमने इकट्ठा करके बंद कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने रुई भरनी है। तो अब ये कच्ची सिलाइयाँ थी ये सारी, तो इन सबको आपस में पकड़ते हुए, ताकि नीचे से होल ना रहे, बंद भी हो जाए और साथ में पक्का भी हो जाएगा, ताकि खुल नहीं पाएगा ये। तो ये देखो पक्की सिलाइयाँ, आप भी अगर सिलें तो कहीं ऐसे कच्चा किया हुआ हो तो वहाँ पक्की सिलाइयाँ बाद में ज़रूर कर दें। तो ये मैं यहाँ से पक्का कर दूँगी, क्योंकि फिर इसमें रुई भर जाएगी तो इस कवर को हम दोबारा से नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और कवर चढ़ाना है। तो इस कवर को तो हम बार बार हमेशा नहीं खोलेंगे, ना वॉश करने के लिए कुछ भी है। एक साल तक तो कम से कम नहीं खोलेंगे, फिर उसके बाद एक साल भर के बाद अगर रुई को चेंज करना है या कुछ करना है तभी खोलेंगे। तो तब तक के लिए तो हमें इसको इतना पक्का करना पड़ेगा कि ये साल भर तक चल जाए और इसमें यहाँ से रुई ना निकले और टूटे नहीं। ये यहाँ से टूट जाए, कट जाए, धागा टूट जाए तो क्योंकि कच्चा ही तो लगाया था वो सुन्नटें जब लगाई थी। तो अब ये इस तरह मैं पक्का कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं कर सुई धागे से ही रही हूँ, क्योंकि मशीन से तो ये होगा भी नहीं, ये तो हाथ से ही होगा। तो चलिए, अब आगे मैं और वो भी दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसमें रुई भी भर दी है और वो कैसे भरनी है, और ताकि ये गोल तकिया बन जाए। गोल तो ये बन ही जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे इसको ऐसे हमने इकट्ठा कर दिया है चुन्नटें बना के और ये बांध दिया है बिल्कुल पक्की। इतनी गांठ लगा दूंगी कि ये धागा भी यहाँ से टूट नहीं पाए। तो नीचे जब एक साइड से बंद हो गया और दूसरी साइड हमने नेफा बनाया हुआ है, जिसके अंदर की हमें कुछ डोरी, नाड़ा डोरी, कुछ रिबन कुछ उसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे ये गोल सा बन चुका है। वो नीचे वाला हिस्सा है गोल और ऊपर वाला अभी ओपन है। ऊपर से हमने इसमें रुई भी भरनी है, तो ऊपर वाला देखो वहीं से रुई भरेंगे। और अच्छा लग रहा है, ये मेरी पुरानी बेडशीट थी जिसका मैंने ये बना लिया है, जिसके अंदर मैंने रुई भरी है। उसको मैंने काट लिया था 60x26 इंच का। तो ये बेडशीट में से डबल बेड की जो शीट होती है उसमें से आराम से निकल जाता है। अब ये इसमें रुई को ना दबा दबा कर भर दीजिए, क्योंकि ये दोनों साइड से गोल हो चुका है तो ये गोल अपने आप हो जाएगा। आप इसमें बस अब रुई भरते जाइए दबा दबा के नीचे की साइड से। जब नीचे की साइड से भरेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे देखिए, नीचे बन गया है और ये ऊपर भी मैंने उसमें नाड़ा डाल दिया है, और जितनी और बची हुई रुई है वो मैं सारी की सारी ही इसमें डाल देती हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें ऐसे दबा दबा के जहाँ आपको इसमें जगह मिलती जाए
आप उसमें कॉटन मतलब रुई ऐसे डालते जाइए, दबा दबा के रुई डाल दी जाएगी। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी जो रुई रखी हुई थी उससे पहले मैं एक मसनद बना चुकी हूँ और अब एक ये मेरा गोल पिल्लो बन जाएगा। ये इस तरह का ऐसे इसको पकड़ के ऐसे गोलाई में घुमा देंगे हम, ये अपने आप गोल अपनी शेप ले लेगा और अपने आप ये सेट हो जाएगा धीरे धीरे। और ये नीचे बीच में से ना बिल्कुल सेंटर में से मैंने एक धागा छोड़ा है मोटी वाली सुई में डालकर ऊपर से नीचे तक, ताकि लास्ट में इसी में एक बटन लगा के ये खींचने के काम आएगा। तो फिर अब ये देखिए, हम मम्मी के घर आए हुए थे तो मैं वहाँ पर अपना कवर सिल रही थी इसी का, तो मेरे पास एक लाल रंग का दुपट्टा रखा हुआ था, वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, उसमें से मैंने वही 60 इंच का लंबा और 26 इंच का चौड़ा उतना ही मैंने फिर से वो काट लिया है। और एक साइड उसकी में मैं नेफा सिल रही हूँ, ये जब इसमें ये नेफा सा बन जाएगा एक साइड का तो मैं इसमें क्या डाल दूँगी, रिबन, रेड कलर का रिबन मैंने लिया है, वही ख़रीद के ले आई थी मैं आज दोपहर में, वही मैंने इसमें नेफे में डालना है। तो ये सिलाई उसी के लगा रही हूँ मैं। तो मम्मी के घर थे तो एक्चुअली मैंने सोचा जब जा ही रही हैं तो वहाँ मशीन है तो मशीन पर ही काम कर लूँगी। तो अब ये दूसरी साइड में मुझे उसी तरह कच्चा करते हुए धागा खींचते जाना है, खींचते जाना है ताकि नीचे से वो गोल ही बन जाए। नीचे से वो गोल बनेगा और दूसरी साइड नेफा है उसमें मैं रिबन डालूँगी। ये मैं साथ साथ ही धागा खींचती जा रही हूँ क्योंकि पूरी पर लगाने के बाद इकट्ठा खींचो तो कई बार धागा टूट जाता है, मेरे साथ ही कई बार हो जाता है। तो अब मुझे याद रहता है कि थोड़ा थोड़ा ही जैसे चुन्नटें आ जाएँ सुई के अंदर उनको ही साथ साथ आप खींचते चलिए, इकट्ठा बाद में खींचने वाला चक्कर नहीं रखना चाहिए। तो चुन्नटें हाथ से ही डालने में ज़्यादा अच्छी आएंगी, थोड़ी थोड़ी सी मोटी थोड़ी सी बारीक, क्योंकि मशीन से डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, तो जितनी हमें चाहिए वो यहाँ सुई धागे से आराम से आ जाएंगी। तो ये वही दूसरी साइड में चुन्नट वाली साइड करती जा रही हूँ, उसको मैंने हाथ से ही किया है और ये पूरा ऐसे गोल गोल घुमा के और फिर उसको लास्ट में वहाँ पक्का भी मैं कर दूंगी। सिलाई का काम एक्चुअली जहाँ भी छोड़ें, चाहे कच्चे में कर रही हूँ चाहे पक्का मशीन से कर रही हूँ, लास्ट में उसको पक्का ज़रूर करना चाहिए। जैसे कच्चे में हमें धागों को पकड़ के गांठ लगा देनी चाहिए और ऐसी मशीन का होता है तो पक्का करने लिए मशीन को घुमा के उसका दूसरा राउंड उस पर थोड़ा सा सिलाई कर देनी चाहिए, तो उससे जो लास्ट जहाँ हम सिलाई छोड़ते हैं वहाँ पक्की हो जाती है। यहाँ पर मेरे सामने ही मेरी मम्मी भी बैठी हुई हैं, हम बातें कर रही हैं, वो अंदर भाभी भी घूम रही हैं, वो किचन में कुछ काम कर रही हैं, चाय वाय बना रही थी हमारे लिए, उन्होंने रसगुल्ले भी बनाए थे उस दिन, गुलाब जामुन सॉरी, वो भी हमें खिलाए थे तो बहुत अच्छे थे, वो भी टेस्टी थे। तो थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छे बनाए थे तुमने गुलाब जामुन, हमने तो बैठ के आराम से खाए थे फिर चाय वाय पी। और क्योंकि सुरभि भी मेरे साथ गई थी तो उसको नानी का पता करने के लिए जाना था, उसकी नानी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो ये देखिए ऐसे धागा खींचते हुए पूरा मुझे गोल कर लेना है। और ये जब अपने घर आ गई हूँ मैं, अब ये गोल हो गया तो इस साइड बटन लगाना है। अब वो धागा मैंने जो बीच में से छोड़ा हुआ था लेके, उस जगह पर मैंने अब एक रिबन छोड़ दिया है क्योंकि मैं मार्केट से रिबन लेकर आई थी, जब मैंने धागा डाला था तो मेरे पास रिबन नहीं था, रिबन से ज़रा मजबूत हो जाएगा, उधर से जो हमें बटन को खींचना है वो अच्छे से खींच जाएगा। और यहाँ इसके नेफे में जो लाल रंग का रिबन डाला था उसको मैंने अच्छा सा पक्का बांध कर सिक्योर कर दिया है। और इस साइड बिल्कुल सेंटर में बटन लगाना है। तो अब इसमें जो रिबन छोड़ा हुआ है ये, उसको सुई मोटी वाली में डाल के उसमें से बटन एक निकाल के वो यहीं पे उसको यहाँ वो टाइट हो जाएगा तो थोड़ा रुई को अंदर की तरफ खींच लेगा तो जिसमें चुन्नटें आ जाएंगी। तो बस मेरा ये रहा कि जो बटन मैंने लगाया वो थोड़ा छोटा पड़ गया है, बटन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, वो और ज़्यादा अच्छी शो दे देता। लेकिन मेरे को यहाँ पे अपने एरिए में भी आसपास की शॉप्स पर वो वाला बटन नहीं मिल पाया,
तो अब ये देखिए ये ऐसे खींच के यहाँ पे चुन्नटें आ जाती हैं। तो यहाँ मैंने ये रिबन लिया है और इसी रिबन में मैं अब एक छोटा बटन डाल दूँगी जो मेरे पास है, जो अवेलेबल था, जो मैं लेकर आई थी, वही वाला मैं बटन यहाँ पर लगा रही हूँ। रिबन में डाल के उसको यहाँ बांध दिया है और फिर दूसरी साइड से हम रिबन को खींच लेंगे। खींचने से वो यहाँ पर चुन्नट बना देगा सिल्क के कपड़े के ऊपर। तो फील तो मुझे हो गया था कि ये बटन छोटा लग रहा है, बड़ा होगा तो अच्छे से चुन्नटें दिखाई देंगी, लेकिन ये बटन ही छोटा रह गया है। बटन मुझे यहाँ सेक्टर 3 फरीदाबाद में नहीं मिल पाया था बड़ा, मैंने 2-3 शॉप से पता कर लिया था। तो अब ये मेरा ये बटन देखो छोटा है, तो ये ऐसी इसकी शेप आई है। बड़ा होता तो और अच्छे से चुन्नटें सारी दिखाई दे रही होती, छोटे के साथ तो ऐसे ही दिख रही हैं। पर एनीवे मेरा क्वेश्चन बहुत सुंदर बना है, बड़ा अच्छा बना है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक भी कर दीजिए। बटन छोटा रह गया है बस।